हाय, सो वी स्टार्टेड ज्योग्राफी एंड वी स्टार्टेड ज्योग्राफी क्लास नाइन्थ। क्लास नाइन्थ की ज्योग्राफी में हमने सबसे पहले पढ़ा इंडिया साइज एंड लोकेशन, इंडिया का ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स एंड ऑल हमने देखा, नंबर ऑफ स्टेट्स कितने हैं, स्टेट्स में ज्योग्राफिकल बाउंड्री क्या है, एट्सेट्रा। देन हमने पढ़ा फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। देन वी रेड अबाउट ड्रेनेज, ड्रेनेज में हमने रिवर्स एंड ऑल देखा। क्लाइमेट में हमने इंडिया का क्लाइमेट समझा, मानसून कैसे आता है, सीजन्स कैसे आते हैं। देन चैप्टर नंबर फाइव था नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, इसमें हमने फ्लोरा एंड फौना देखा, टाइप ऑफ फॉरेस्ट क्या होते हैं, डेसीडुअस क्या होते हैं, ट्रॉपिकल डेसीडुअस क्या होते हैं, इनके फीचर्स क्या होते हैं। देन वी रेड अबाउट पॉपुलेशन, हमने इंडिया की डेमोग्राफी समझी कि इसमें लिटरेसी रेट क्या है, यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, उनका जॉब प्रोफाइल एंड वर्क रिलेटेड ज्योग्राफी, इकोनॉमी एट्सेट्रा वी ट्राई टू, हमने यहाँ पे समझने की कोशिश की। देन अब हम पढ़ते हैं क्लास टेंथ। क्लास नाइन्थ हो गया, अब हम क्लास टेंथ में आते हैं। क्लास टेंथ में ये सारे चैप्टर्स हैं। पहला चैप्टर है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। डेवलपमेंट हमने इकोनॉमी में भी देखा था अभी कुछ दिन पहले, क्लास टेंथ इकोनॉमी। डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव्स बहुत डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। ये जो डेवलपमेंट होता है ये डिपेंडेंट होता है रिसोर्सेज में, हम इसको अभी देखेंगे। देन फॉरेस्ट और जो वाइल्ड लाइफ है ये भी एक बहुत बड़े रिसोर्सेज हैं। वाटर इज अगेन अ रिसोर्स। एग्रीकल्चर है, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं एंड लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी। सो दिस क्लास टेंथ एनसीईआरटी ज्योग्राफी इज अगेन वेरी वेरी ब्यूटिफुल। दिस इज वेरी यूजफुल फॉर दिस अंडरस्टैंडिंग एंड फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन प्रिपेरेशन। ये पूरा कंटेंट आपको एनवायरमेंट, इकोलॉजी, ज्योग्राफी, यहाँ से बहुत बेसिक डेफिनेशंस मिलेंगी, फाउंडेशन बहुत सॉलिड बनेगा यहाँ पे। सो लेट अस स्टार्ट विद दिस रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। डेवलपमेंट बहुत सारा डेफिनेशन है, मैनी हेड्स हैं डेवलपमेंट के। ओके, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सकता है, सोशल डेवलपमेंट हो सकता है, देन पीपल का डेवलपमेंट है, कल्चरल डेवलपमेंट है, दे आर मैनी काइंड्स ऑफ डेवलपमेंट। ये जो डेवलपमेंट होता है ये डिपेंडेंट होता है रिसोर्सेज में। आप देखो कुछ कोस्टल स्टेट्स हैं इंडिया के, वो काफ़ी आगे बढ़ गए और जो हिंटरलैंड है वो पीछे हो गया। कुछ स्टेट्स हैं वहाँ पे मिनरल रिजर्व्स बहुत ज़्यादा है तो वो काफ़ी सोर्स ऑफ इनकम अच्छा हो जाता है। कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जो ज्योग्राफिकली काफ़ी चैलेंज्ड पोजिशन पर है, वहाँ पर मिनरल्स भी नहीं है, टूरिज्म एंड ऑल एवरीथिंग इज़ लेस, कनेक्टिविटी इज़ लेस। सो डेवलपमेंट जो होता है वो बहुत हद तक डिपेंड करता है इस रिसोर्सेज में। और रिसोर्सेज क्या होते हैं? रिसोर्सेज कई टाइप के हो सकते हैं। रिसोर्सेज मीन एनी थिंग विच इज़ यूजफुल, जो आपके लिए यूजफुल है, एक एसेट होते हैं। सो एसेट्स जो होते हैं ना उनको हम रिसोर्सेज बोलते हैं, नॉट द लाइबिलिटी इकोनॉमिक के टर्म में। सो रिसोर्सेज आर दीज एसेट्स, एसेट्स फॉर दिस डेवलपमेंट। सो लेट अस स्टार्ट अगेन। जो एन सी आर टी बहुत क्रिस्प है, हर लाइन हर वर्ड इसका बहुत इंपॉर्टेंट है और उसका काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होगा यहाँ पे। यू वुड अप्रिशिएट, जैसे जैसे हम ये पढ़ेंगे ना, यू वुड रियली अप्रिशिएट ये कितनी अच्छी लिखी है ये एन सी आर टी। सी, एवरीथिंग अवेलेबल इन अवर एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट में जो भी अवेलेबल है विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई अवर नीड्स प्रोवाइडेड इट इज़ टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल और इकोनॉमिकली फीजिबल है और कल्चरली एक्सेप्टेबल है, उसको हम बोल सकते हैं रिसोर्स। लुक डेफिनेशन, एवरी थिंग अवेलेबल इन अवर एनवायरनमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई अवर नीड्स प्रोवाइडेड, वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो प्रोवाइडेड है बट हम उसको हार्नेस नहीं कर पा रहे हैं, इकोनॉमिकली फीजिबल भी होना चाहिए और कल्चरली एक्सेप्टेबल भी होना चाहिए। तो ये सब जब चीज़ें हो जाएंगी, ये सब चीज़ें हो जाएंगी तो हम उसको बोलते हैं रिसोर्स। नाउ ये हैं हम, ह्यूमन बींग्स हैं, ये फिजिकल एनवायरनमेंट एक रिसोर्स है, इंस्टीट्यूशंस हैं और ये टेक्नोलॉजी है। तो इस तरीके से इंटरडिपेंडेंट होता है रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस। सन के पास बहुत सारी एनर्जी है बट हम उसको पूरा हार्नेस नहीं कर पा रहे, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। तो सन ऑल्दो एक बहुत बड़ा रिजर्व है बट वो बहुत बड़ा रिसोर्स नहीं बन पा रहा है। ऑल्दो हमने सोलर एनर्जी से काफ़ी इसको हार्नेस करने का ट्राई किया है बट हम इसको फुल्ली यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं। देन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स अवेलेबल इन अवर एनवायरनमेंट इन्वॉल्व्स इंटरैक्टिव रिलेशनशिप होना चाहिए बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस। ह्यूमन बींग्स होते हैं ये इंटरेक्ट करते हैं नेचर से, कैसे? टेक्नोलॉजी के थ्रू।
हम इंस्टीट्यूशंस बनाते हैं टू एक्सेलरेट देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट. जैसे हमने मिनरल रिजर्व का एक इंस्टीट्यूशन बना दिया, वाटर बॉडीज़ के लिए हमने एक नेशनल वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया बना दिया. हम इंस्टीट्यूशंस बनाते हैं, कोल माइंस ऑफ इंडिया लिमिटेड बन गया, न्यूक्लियर पावर के लिए हमने एक बना दिया, वाटर रिसोर्सेज के लिए, हाइडल पावर के लिए हमने बना दिया. तो सोर्सेज को टैप करने के लिए भी हम इंस्टीट्यूशंस भी बनाते हैं और टेक्नोलॉजी भी बनाते हैं. जैसे क्रूड ऑयल का आप देखो, सऊदी एक अलग टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है, और जो शेल गैस है यूएसए में, वो फ्रैकिंग एंड ऑल अलग डिफरेंट टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है. सो डू यू थिंक दैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर एज इज अज्यूम्ड बाय मेनी? दे आर नॉट. रिसोर्सेज आर अ फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी. ह्यूमन बींग्स देमसेल्व्स असेंशियल कॉम्पोनेंट होते हैं रिसोर्सेज के. तो ह्यूमन बींग्स भी एक बहुत बड़ा पार्ट है रिसोर्सेज का. दे ट्रांसफॉर्म मटेरियल अवेलेबल इन अवर एनवायरनमेंट इन टू रिसोर्सेज. तो मटेरियल को ये रिसोर्सेज में कन्वर्ट कर रहे हैं और फिर हम उसको यूज़ कर रहे हैं. सो दीज रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग वे. एक क्लासिफिकेशन हो सकता है बेस्ड अपॉन देयर ओरिजिन, कहाँ से हुआ है. ओरिजिन अगर बायोटिक है या फिर अबायोटिक है. एग्जॉस्टेबिलिटी मतलब वो ख़त्म होगा या नहीं होगा. रिन्यूएबल है मतलब हमारे टाइम फ्रेम पे वो अपने आप रिप्लेनिश हो जाता है, या फिर नॉन रिन्यूएबल है. अगर ऑनरशिप की बात करें तो वो इंडिविजुअल है या कम्युनिटी का है या नेशनल है या इंटरनेशनल है. अगर स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट की बात करें तो वो पोटेंशियल रिजर्व है मतलब फ्यूचर में वो काम आएगा, वो डेवलप्ड स्टॉक है, और या फिर वो केवल रिजर्व्स है. इस तरीके से अगेन वी लव क्लासिफिकेशन. तो हम इस तरीके से ह्यूमन मेड हम क्लासिफिकेशन कर दिया है हमने रिसोर्सेज का. इसको चार्ट फॉर्म में देखें अपन तो ये रिसोर्सेज हैं, ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं, और ये ह्यूमन रिसोर्सेज हैं. नेचुरल रिसोर्सेज में दीज आर रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल. रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आ सकते हैं कॉन्टीन्यूअस या फिर फ्लो, जैसे कि विंड और वाटर, ये कॉन्टीन्यूअस हैं. रिन्यूएबल रिसोर्सेज में बायोलॉजिकल भी हो सकते हैं, लाइक चिकन एंड ऑल है, एक जनरेशन, फिर सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन. तो दीज आर बायोलॉजिकल. बायोलॉजिकल में नेचुरल वेजिटेशन, फॉरेस्ट भी आ सकता है, और दीज वाइल्ड लाइफ भी आ सकते हैं. तो रिसोर्सेज क्या हुए, नेचुरल और ह्यूमन. नेचुरल में भी रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल. रिन्यूएबल में भी कॉन्टीन्यूअस और बायोलॉजिकल. बायोलॉजिकल में हो सकते हैं नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ. अगर रिसोर्सेज ह्यूमन की बात करें तो यहाँ पे स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशंस. फॉर एग्जांपल हम पॉलिटी में आगे पढ़ेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ क्या हैं. यूपीएससी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, चीफ इलेक्शन इलेक्शन कमिश्नर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एंड कुछ होती हैं स्टैचुरी बॉडी हैं. तो ये सारी जो बॉडीज़ हैं इंस्टीट्यूशंस हैं. प्रेसिडेंट इज़ एन इंस्टीट्यूशन, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस इज़ एन इंस्टीट्यूशन. तो ये भी एक रिसोर्स है, और एक क्वांटिटी एंड क्वालिटी वाइज भी ह्यूमन रिसोर्स हो सकते हैं. सो दिस इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज. नाउ ये एक्टिविटी है. टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज हम डिटेल में देखते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन देखें तो वन होता है बायोटेक रिसोर्सेज. बायोटेक मतलब दे आर ऑब्टेन फ्रॉम बायोस्फेयर. उनमें कुछ लाइफ का कनेक्शन है, मतलब ये जीवित हैं कुछ. बायोटिक रिसोर्सेज हैं जैसे कि फ्लोरा फौना. फ्लोरा मतलब पेड़ पौधे एंड ऑल होता है, फौना मतलब एनिमल्स होता है. फिशरीज है, लाइफ स्टॉक है, आप भेड़ बकरियां गाय ये सब लाइफ स्टॉक होती है. तो इधर कहीं ना कहीं लाइफ है. सो दैट इज़ वाई दीज आर बायोटिक रिसोर्सेज. ए बायोटिक रिसोर्सेज में लाइफ नहीं होती है. तो ये क्या होते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, जैसे कि रॉक चट्टाने हो गई, मेटल्स हो गए, आयरन रिजर्व्स होते हैं ना, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, मैंगनीज हो गया, मैग्नीशियम, यूरेनियम हो गया. दीज आर ऑल कॉल्ड एबायोटिक रिसोर्सेज. दूसरा क्राइटेरिया है एग्जॉस्टेबिलिटी का, मतलब ख़त्म होते हैं या नहीं होते हैं. तो एक होता है रिन्यूएबल रिसोर्सेज, मतलब कि रिसोर्स विच कैन बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस्ड बाय फिजिकल केमिकल मैकेनिकल प्रोसेस आर नोन एज रिन्यूएबल और रिप्लेनिशेबल सोर्सेज. मतलब वो ख़त्म भी हो रहा है और वापस रिन्यू भी होता जा रहा है. दैट इज कॉल्ड रिन्यूएबल रिसोर्सेज. जैसे कि सोलर, जैसे कि विंड, जैसे कि वाटर. फॉरेस्ट भी रिन्यूएबल होता है, देन वाइल्ड लाइफ भी रिन्यूएबल होती है. रिन्यूएबल रिसोर्सेज में फर्दर भी डिवाइडेड इंटू कॉन्टीन्यूअस और फ्लो, जैसे कि हमने ऊपर यहाँ पे देखा था. ये कॉन्टीन्यूअस थे जैसे कि विंड वाटर, और दिस इज नॉन कॉन्टीन्यूअस. देन इसके बाद नेक्स्ट आता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. ये वो रिसोर्सेज होते हैं जिनको बहुत बहुत लंबा जियोलॉजिकल टाइम स्केल लगता है. हमने देखा था ना जियोलॉजिकल, अर्थ इज़ वेरी वेरी ओल्ड, 4.6 बिलियन. देन इसका हमने क्लासिफिकेशन किया है, सीनोजोइक एंड ऑल इराज हैं. ओके, सो ये बड़े टाइम पीरियड में ये रिन्यू हो पाएंगे. मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स जो हैं, जैसे कि हम पेट्रोलियम या फिर कोल देखें, ये रिन्यूएबल हैं बट बहुत लॉन्ग पीरियड में होंगे, तो हम इसको नॉन रिन्यूएबल बोलेंगे. सो ये कहलाते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, फॉसिल फ्यूल्स जैसे रिसोर्सेज. इनको मिलियंस ऑफ ईयर्स लगेंगे फॉर्मेशन होने में.
जैसे कि मेटल्स हैं रिसाइकलेबल हैं, सम लाइक फॉसिल फ्यूल्स कैन नॉट बी रिसाइकल्ड एंड गेट एग्जॉस्टेड विद देयर यूज. रिसाइकलेबल मतलब जैसे कि आप देखते हो आयरन है, आयरन को फिर से स्मेल्टिंग कर दो फिर से नया कुछ बन जाएगा, तो ये आर रिसाइकलेबल होते हैं. बट पेट्रोलियम को ऐसा नहीं कर सकते आप, कोल को ऐसा नहीं कर सकते. तो ये रिसाइकलेबल वर्सेस नॉन रिसाइकलेबल हो गया. ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप इंडिविजुअल रिसोर्सेज होते हैं, मतलब एक पर्सन को वो बिलोंग करते हैं. दे मे बी ओन प्राइवेटली बाय इंडिविजुअल. जैसे फार्मर्स ओन करता है लैंड विच इज़ अलॉटेड टू देम बाय द गवर्नमेंट अगेंस्ट द पेमेंट ऑफ रेवेन्यू. आपका मकान है, आपकी ज़मीन है, ये इंडिविजुअल रिसोर्स है. विलेज में पीपल विद लैंड ऑनरशिप बट देर आर मैनी हु आर लैंडलेस. अर्बन पीपल में प्लॉट्स होते हैं, हाउसेज होते हैं, प्रॉपर्टी होती है, ये इंडिविजुअल रिसोर्स है. प्लांटेशन पॉशर लैंड है, पॉन्ड्स वाटर है, वेल्स है, सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ रिसोर्स ऑनरशिप बाय इंडिविजुअल पॉसिबल है. मेक अ लिस्ट ऑफ रिसोर्सेज ओन बाय योर हाउस होल्ड. नाउ कम्युनिटी ओन क्या होता है, जो पूरा एक ग्रुप ऑफ पीपल ले रहा है, एक छोटा ग्रुप ऑफ पीपल है, कम्युनिटी हो रही है, समाज आपका पूरा उसको ओन कर रहा है, दैट इज़ मेंबर ऑफ कम्युनिटी. जैसे विलेज का एक कॉमन ग्रेजिंग ग्राउंड है, बरियल ग्राउंड है, या फिर विलेज में पॉन्ड है, वहाँ का जो तालाब है, पब्लिक के पार्क है, पिकनिक स्पॉट है, प्ले ग्राउंड है, अर्बन एरिया में पार्क्स एंड ऑल होते हैं ना सोसाइटीज़ में, दे आर डी फैक्टो एक्सेसिबल टू ऑल पीपल लिविंग इन योर सोसाइटी. तो ये क्या हुए, कम्युनिटी ओन्ड हो गए. एक होता है नेशनल रिसोर्सेज, मतलब कंट्री ओन कर रही है. टेक्निकली ऑल द रिसोर्सेज बिलोंग टू द नेशन बट कंट्री को लीगल पावर होती है टू अक्वायर इवन प्राइवेट प्रॉपर्टी फॉर दिस पब्लिक गुड. सो यू माइट हैव सीन रोड्स हुई, नेशनल हाईवेज, स्टेट हाईवेज, कैनाल्स हैं, रेलवेज हैं, ये सब क्या है, पब्लिक प्रॉपर्टी है, दीज आर नेशनल रिसोर्सेज. अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी एम्पावर्ड है गवर्नमेंट टू एक्वायर लैंड. ऑल मिनरल वाटर रिसोर्सेज जैसे कि फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, लैंड विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्री, इंडिया की जो बाउंड्री है इसके अंदर जो चीज़ आ रही है वो पूरा हमारा इंडिया गवर्नमेंट की है. ओशियनिक एरिया अप टू 12 नॉटिकल माइल, दिस इज एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, अनक्लॉज होते हैं 19. सो ये जो चीज़ होती है ये कहलाती है नेशनल रिसोर्सेज. कॉस्ट टर्म एज टेरिटोरियल वाटर एंड रिसोर्सेज देयर इन बिलोंग टू द नेशन. सो दीज आर कॉल्ड नेशनल रिसोर्सेज. नाउ ये होते हैं अब इंटरनेशनल रिसोर्सेज, मतलब ये किसी कंट्री का भी नहीं है, ये पूरा ग्लोबल कॉमन्स आप इन्हें बोल सकते हो. इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस इनको रेगुलेट करती है, जैसे कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन. टुडे वी रेड दिस इन द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस. इसमें एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है 200 नॉटिकल माइल के जो बियॉन्ड है, इसमें कोई इंडिविजुअल कंट्रीज को यूटिलाइज दीज विदाउट द कॉन्करेंस ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन. सो ये क्या हुआ है, इंटरनेशनल रिसोर्सेज. तो इस तरीके से बेसिक से हम बढ़े हैं. देखिए पहले इंडिविजुअल था, फिर कम्युनिटी आया, फिर नेशनल आया, फिर इंटरनेशनल आया. तो रिसोर्सेज का भी ऐसे क्लासिफिकेशन हुआ है बेस्ड ऑन ऑनरशिप. इंडिया को राइट है माइन मैंगनीज नोड्यूल्स फ्रॉम द बेड ऑफ इंडियन ओशन फ्रॉम दैट एरिया विच लाइज बियॉन्ड द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन. आइडेंटिफाई सम अदर रिसोर्सेज विच आर इंटरनेशनल इन नेचर. ओके, ट्राई टू डू दिस. ये मैंगनीज नोड्यूल्स क्या होते हैं, इसमें बहुत सारे पॉली दिस नोड्यूल्स होते हैं, बहुत सारे इसमें मिनरल्स मेटल्स के ऐसे सी बेड पे ये काफ़ी मिलते हैं. यहाँ पे मैंगनीज नोड्यूल्स होते हैं, इसके बारे में आप और पढ़िए अभी. नाउ ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट में एक होता है पोटेंशियल रिसोर्सेज, मतलब बाद में कोई रिसोर्स बन सकता है वो. पोटेंशियल विच आर फाउंड इन अ रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज. जैसे कि वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया में, पर्टिकुलरली राजस्थान एंड गुजरात में इनॉर्मस पोटेंशियल है डेवलपमेंट विंड का और सोलर एनर्जी का, बट अभी तक हम इसको टैप नहीं कर पाए हैं प्रॉपर. तो ये क्या हुआ, पोटेंशियल रिसोर्सेज हुए. इंडिया में थोरियम बहुत ज़्यादा है बट हम उसको अभी यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं. सो वो भी अगेन इन फ्यूचर पॉसिबल है, सो दैट इज़ पोटेंशियल रिसोर्सेज. देन डेवलप्ड रिसोर्सेज क्या होते हैं, जो सर्वे हो चुका है, उनकी क्वालिटी क्वांटिटी हमें पता है और वो यूटिलाइजेशन डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन. डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज डिपेंड्स ऑन द टेक्नोलॉजी एंड लेवल ऑफ देयर फीजिबिलिटी. तो ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है कि फीजिबल है या नहीं है. फीजिबल है तो फिर वो गुड है, अदरवाइज वो रिसोर्स नहीं होगा. देन दिस इज स्टॉक मटेरियल इन द एनवायरनमेंट विच हैव द पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स बट ह्यूमन बींग्स डू नॉट हैव द एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी टू एक्सेस दीज आर इंक्लूडेड अमंग स्टॉक. जैसे कि वाटर इज़ अ कंपाउंड ऑफ टू गैसेज, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है ना, H2O होता है. हाइड्रोजन कैन बी यूज एज अ रिच सोर्स ऑफ एनर्जी. हमें पता है हाइड्रोजन बेस्ड जो गाड़ियाँ हैं ये काफ़ी अच्छी हो सकती हैं, पॉल्यूटिंग भी नहीं होगी, बट हम इसको अभी प्रैक्टिकली यूज नहीं कर पा रहे हैं. बट वी डू नॉट हैव एडवांस टेक्निकल नो हाउ टू यूज़ इट फॉर दिस पर्पज. सो इनको हमने कह दिया स्टॉक. रिजर्व्स क्या होते हैं, सबसेट ऑफ द स्टॉक है विच कैन बी पुट इन टू यूज़ विद द हेल्प ऑफ एग्जिस्टिंग
नो हाउ, तो स्टॉक्स हैं और स्टॉक्स में से जो सबसेट आया रिजर्व, जिसको हम यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड रिजर्व. नो हाउ है हमारे पास. दीज कैन बी यूज फॉर मीटिंग फ्यूचर रिक्वायरमेंट. रिवर वाटर कैन बी यूज फॉर जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, पावर होता है. इट इज़ बीइंग यूटिलाइज ओनली टू अ लिमिटेड एक्सटेंट. वाटर इन द डैम्स फॉरेस्ट है, ये रिजर्व है विच कैन बी यूज इन द फ्यूचर. सो ये क्या हुए, ये हुए स्टॉक्स, ये हुए रिजर्व. देन लिस्ट ऑफ स्टॉक एंड रिजर्व आप देखिए, फैमिलियर आपके लोकल एरिया में क्या हो सकता है. अब हम बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज की, इसका डेवलपमेंट कैसे करना है. तो रिसोर्सेज जो होते हैं ना, ये वाइटल होते हैं ह्यूमन सर्वाइवल के लिए, फॉर मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ. ये माना जाता है रिसोर्सेज को फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर बोलते हैं. ह्यूमन बींग्स यूज़ करते हैं इन्हें इनडिस्क्रिमिनेटली एंड दिस लेड टू मेजर प्रॉब्लम. तो ह्यूमन बींग की एक बहुत बुरी आदत होती है ग्रीड, और ऐसा कहते हैं कि नेचर के पास हमारी ग्रीड के लिए तो कुछ नहीं है, पर नीड का सब कुछ मिलेगा आपको. सो देर इज़ एवरीथिंग दैट यू नीड, बट मे बी नॉट एवरीथिंग यू ग्रीड. डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज होता है, तो बिकॉज ऑफ दिस ग्रीड ऑफ अ फ्यू इंडिविजुअल. एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज होता है इन अ फ्यू हैंड्स. अगेन कुछ लोग बहुत ज़्यादा रिसोर्स रिच हो जाते हैं और कुछ कंट्रीज़ के पास रिसोर्सेज ही नहीं है. डिवाइडेड द सोसाइटी इनटू सेगमेंट्स ऑफ हैव्स एंड हैव नॉट. अमीर बहुत अमीर हो गए हैं और गरीब बहुत गरीब होते जा रहे हैं. सो दिस इज़ हैपनिंग. इमेजिन इफ द ऑयल सप्लाई गेट्स एग्जॉस्टेड वन डे, हाउ वुड दिस अफेक्ट अवर लाइफ स्टाइल. प्लान अ सर्वे. ऑल दो कोविड 19 ने तो पूरा वर्ल्ड ही अपसाइड डाउन कर दिया है. ऑयल का हम सोच रहे थे इतना हाई हो रहा है, अभी प्रोडक्शन सरप्लस हो रहा है बिकॉज डिमांड ही ऑलमोस्ट जीरो हो गई है, प्राइसेस फॉल हो गई है. सो बट नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज में आप ऐसा कैसे करेंगे कि ये रिसोर्सेज अगर डिप्लीट हो गए तो. देन इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज से ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस आते हैं, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग. ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, टेम्परेचर बढ़ रहा है. टेम्परेचर क्यों बढ़ रहा है, बिकॉज ग्रीन हाउस गैसेज ज़्यादा आ रही है. ग्रीन हाउस गैसेज क्या करती है, रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेती है. सो ग्लोबल जो टेम्परेचर नॉर्मल होना चाहिए था, उससे ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज हो जा रहा है. CO2 एक बहुत बड़ा कल्प्रिट है. ओजोन लेयर डिप्लीशन होती है. ओजोन होती है ना, स्ट्रेटोस्फेयर में हमने पढ़ा था, ओजोन होती है. ये क्या करती है, यूवी रेडिएशन को स्टॉप करती है. बट कुछ सदर्न हेमिस्फेयर में ये ओजोन लेयर का कुछ स्पॉट्स हैं जहाँ पे डिप्लीशन हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस फ्लोरोकार्बन्स एंड ऑल. एनवायरमेंटल पॉल्यूशन हो रहा है, लैंड का डिग्रेडेशन हो रहा है. सो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन जो सोर्सेज होना चाहिए, ये बहुत एसेंशियल हो गया है फॉर अ सस्टेन्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड ग्लोबल पीस. अब प्रेजेंट ट्रेंड चलता रहा रिसोर्स डिप्लीशन का, तो फ्यू इंडिविजुअल्स एंड कंट्री कंटिन्यू करेंगी और हमारा जो फ्यूचर है, ब्लू प्लैनेट जिसे हम बोलते हैं अर्थ, ये डेंजर में आ रहा है. रिसोर्सेज प्लानिंग इज एसेंशियल फॉर सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ. सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस इज अ कॉम्पोनेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. ऑलवेज ट्राई टू गेट दिस वर्ड सस्टेनेबल. सस्टेनेबिलिटी इज़ वेरी जरूरी है लाइफ में. हर जगह पढ़ाई भी कर रहे हो तो सस्टेनेबल वे में पढ़ाई करनी है. एवरी थिंग ट्राई टू डू दिस बिकॉज ये लॉन्ग लास्टिंग होती है. सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब होता है डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन. देखो, आपके पहले ग्रैंड पेरेंट्स थे, फिर उसके बाद आपके पेरेंट्स आए, फिर अभी ये आप खड़े हो. अब फिर फ्यूचर में आपके चिल्ड्रन आएंगे, देन उनके भी चिल्ड्रन आएंगे. बट ये जो प्रेजेंट जनरेशन है, ये इतना ज़्यादा ग्रीडी हो गई है कि ये सारे रिसोर्सेज को डीएस्टेबलाइज कर रही है. सारे रिसोर्सेज ये खुद ही यूज़ कर रही है और डिस्ट्रॉय करके आगे बढ़ेगी. तो आपके बाद की जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी, उसके लिए तो कुछ मिलेगा ही नहीं. सो दैट वुड बी कॉल्ड नॉन सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सस्टेनेबल डेवलपमेंट तब होगा जब ये जो प्रेजेंट जनरेशन है, ये खुद की नीड्स भी पूरी कर रही है बट फ्यूचर जनरेशन का लाइफ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रही है. सो दैट इज़ कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट. ये रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट हुआ था 1992, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जून 1992 में 100 हेड्स ऑफ स्टेट्स मेट हुए थे रियो डी जेनेरियो. ये कहां पर है, ब्राजील में है. फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट हुआ था. इंटरनेशनल बहुत सारे कंट्री है, अर्थ को बचाना है, समिट है. ये जो समिट है, ये कन्वीन हुआ था फॉर एड्रेसिंग अर्जेंट प्रॉब्लम हो रही थी एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन की और सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एट द ग्लोबल लेवल. इसमें लीडर्स आए, उन्होंने डिक्लेरेशन साइन किया, ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी. क्लाइमेट चेंज हो रहा है पूरे विश्व का और जो बायोलॉजिकल है, इस पर डाइवर्सिटी नहीं आ रही है. मतलब सब विविधता जो होनी चाहिए ना, वो नहीं है. तो रियो कन्वेंशन ने एंडोर्स किया ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल. ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल, और फिर ये टर्म आया जिसको हम बोलते हैं एजेंडा 21.
ये किस लिए आया? 21st सेंचुरी में हम जा रहे हैं, तो 21st सेंचुरी का एजेंडा 21। अभी एजेंडा 21 क्या होता है? तो डिक्लेरेशन साइन हुआ वर्ल्ड लीडर्स 1992 में, ये बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑफ एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। इसने टुक प्लेस हुआ अगेन रियो डी जेनेरियो में, एम था ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट लाना। एजेंडा है टू कॉम्बेट, क्या क्या कॉम्बेट करेंगे अपन? एनवायरनमेंटल डैमेज, पॉवर्टी, गरीबी भी बहुत बड़ी समस्या है, डिसीज समस्या है, थ्रू कैसे करेंगे? ग्लोबल कोऑपरेशन से, कॉमन इंटरेस्ट होने चाहिए, म्यूचुअल नीड होनी चाहिए और शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी मतलब सब कलेक्टिव वर्क होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक ही कंट्री सारे एफर्ट कर रही है, हमारा शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। वन मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द एजेंडा 21 इज दैट एवरी लोकल गवर्नमेंट शुड ड्रॉ इट्स लोकल ओन एजेंडा 21। अब हम आते हैं रिसोर्स की, प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज रिसोर्सेज जो होते हैं ना ये हमेशा लिमिटेड होते हैं, हमें ज़रूरत बहुत ज़्यादा है बट हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, तो ऐसा जो होता है तो उसमें प्लानिंग करना होता है। जैसे कि आप एग्ज़ाम्स लिखते हो, है ना, 2 घंटे में आपको एक एग्ज़ाम लिखना है, से प्रीलिम्स लिखना है यूपीएससी का, उसमें आपके पास टाइम कम होता है और काम बहुत ज़्यादा होता है, तो आप क्या करते हो? प्लानिंग करते हो, उसमें स्ट्रैटेजी बना के चलते हो कि कैसे इस कम से कम टाइम पे मैं ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ले सकूं। तो रिसोर्सेज के साथ भी यही हमें स्ट्रैटेजी बनानी है। रिसोर्सेज कम है तो उनका प्लानिंग के साथ यूटिलाइजेशन करना है हमें। प्लानिंग जो होती है ये वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रैटेजी है फॉर, नो दिस वर्ड, जुडिशियस यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। इसका इंपॉर्टेंस कंट्री इंडिया में बहुत ज़्यादा है, इनॉर्मस डाइवर्सिटी है, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज है, रीजन्स आर रिच इन सर्टेन टाइप ऑफ रिसोर्सेज बट डेफिशिएंट इन सम रिसोर्सेज। जैसे आप झारखंड देखो, आप ओडिशा देखो, उनके पास मिनरल रिजर्व्स एंड ऑल काफ़ी ज़्यादा है बट सम अदर टाइप ऑफ रिसोर्सेज में दे आर लैगिंग। सम रीजन्स कंसिडर्ड सेल्फ सफिशियंट इन टर्म्स ऑफ दिस अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड देर आर सम रीजन्स जहाँ पे, कुछ रीजन ऐसे हैं जहाँ पे अक्यूट शॉर्टेज है सम वाइटल रिसोर्सेज के। फॉर एग्जाम्पल झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, यहाँ मिनरल्स और कोल डिपॉजिट्स बहुत ज़्यादा है। आप अरुणाचल प्रदेश को देखो नॉर्थ ईस्ट में, यहाँ पानी बहुत ज़्यादा है, अबंडेंस है वाटर रिसोर्सेज का, बट प्रॉब्लम क्या है? यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट नहीं है, इंडस्ट्रीज नहीं है, मशीन्स की कमी है, यहाँ पे मार्केट एक्सेस भी नहीं है। स्टेट ऑफ राजस्थान काफ़ी वेल एंडाउड है सोलर और विंड एनर्जी में बट यहाँ पे पानी नहीं है। तो कोल्ड डेजर्ट है लद्दाख में, यहाँ रिलेटिवली आइसोलेटेड है फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री। रिच कल्चरल हेरिटेज है यहाँ लद्दाख में बट अगेन डेफिशिएंट इन वाटर है, इंफ्रास्ट्रक्चर कम है और दिस सम वाइटल मिनरल भी नहीं है। सो दिस कॉल्स फॉर दिस बैलेंस्ड रिसोर्स प्लानिंग एंड एट द नेशनल, स्टेट, रीजनल, लोकल लेवल। आपको पता है यहाँ को जो लद्दाख है यहाँ पे वाटर जो होते हैं, आइस जो होता है, इसको ऐसे फ्रोज करके एक सोनम वांगचुक है, इनका काफ़ी ज़्यादा वर्क, काफ़ी प्रोमिनेंट है यहाँ पे वर्क, हैव अ लुक इफ़ आई रिमेंबर। ये वो ऐसे पानी को ऐसे जमा लेते हैं ताकि वो काफ़ी टाइम तक उसको यूटिलाइज हो सके, इसको एक बार आप देखिए डिटेल में। देन ये है रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। रिसोर्स प्लानिंग जो है ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, इसमें क्या क्या होना चाहिए? रिसोर्स प्लानिंग में होना चाहिए सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करो इन्वेंट्री क्या है रिसोर्स की अक्रॉस द रीजन ऑफ द कंट्री। दिस इन्वॉल्व्स सर्वेइंग क्या होती है, मैपिंग क्या होती है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन करो। मतलब कि पहले आप सर्वे करो कि क्या क्या रिसोर्सेज अवेलेबल है, उनको मैप करो, जोनेशन फॉर्म करो, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन करो कितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। Evolving a planning structure endowed with appropriate technology, skill, institutional setup for implementing resource development plans. फिर क्या करना होगा? फिर मैच करना होगा रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स को विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान। तो दिस वे आप इसको सिस्टमेटिकली प्लानिंग करेंगे। इंडिया मेड कंसर्टेड एफर्ट्स फॉर अचीविंग द गोल्स ऑफ रिसोर्सेज ऑफ प्लानिंग राइट फ्रॉम द फर्स्ट 5-year plan। हमने देखा था हमारे यहाँ 5-year plans चलते थे पहले, फिर बाद में नीति आयोग आ गया। सो फाइंड आउट वॉट रिसोर्सेज आर बींग डेवलप्ड इन योर सराउंडिंग कम्युनिटी, विलेज, पंचायत। तो रिसोर्सेज होते हैं ना, इसको भी डेवलप करना पड़ता है। जैसे आपने एक तालाब डेवलप कर लिया, आपने एक रिसोर्स बना लिया अपने लिए। सो दिस इज़ हाउ यू वर्क। अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज नेसेसरी होती है कंडीशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ एनी रीजन बट मेयर अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इन द एब्सेंस ऑफ करस्पॉन्डिंग चेंजेस इन टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन में हिंडर डेवलपमेंट। ये एक बहुत बड़ा इसका केस स्टडी आता है कि जैसे झारखंड एंड उड़ीसा है, यहाँ रिसोर्सेज तो इतने ज़्यादा हैं बट हम उसको इतना प्रॉपर यूटिलाइज क्यों नहीं कर पा रहे हैं? वाई यहाँ पे ग्रोथ रेट कम हो पाता है? देर आर मैनी रीजन्स इन अवर कंट्री जहाँ रिच हैं रिसोर्सेज बट इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन्स हो गए हैं ये। ऑन द कॉन्ट्ररी देर आर सम रीजन्स जहाँ पे पुअर रिसोर्सेज हैं
बेस कम है बट ये इकोनॉमिकली डेवलप हो गया है। इसका इंटरनेशनली आप देखो जापान का एग्जांपल, जापान के पास हार्डली कोई बड़े रिसोर्सेज है, ना तो उसके पास बहुत ज़्यादा आयरन है, ना कोल है, ना बहुत सारा उसके पास, उसका जो टेरेन है वो भी काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है, अर्थक्वेक आता है, सुनामी आता है, इट्स वेरी डिफिकल्ट। बट सी जापान इज़ वन ऑफ द लीडिंग कंट्री है, ये काफ़ी इकोनॉमिकली प्रॉस्परस है। सो अगेन रिसोर्स होना एक चीज़ होती है और उसको यूटिलाइज करना इज़ अ डिफरेंट थिंग। जैसे हम बोलते हैं ना टैलेंट इज़ वन थिंग, बट अगर टैलेंट हार्डवर्क एंड देन स्किल से कलेक्ट होता है तो ही आपको फिर सक्सेस मिलती है। सो दिस इज़ सिमिलर लाइक दैट। कैन यू नेम सम रिसोर्सेज रिच बट इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन्स, सम रिसोर्सेज पुअर हैं बट इकोनॉमिकली डेवलप्ड रीजन्स हैं, गिव रीजन्स फॉर सच अ सिचुएशन। तो प्लानिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यू आर वेरी गुड विद स्टडीज़ बट अगर प्लान्ड वे में स्टडी करेंगे ना तो आपको सक्सेस मिलेगी। फिर हिस्ट्री ऑफ कॉलोनाइजेशन रिवील करती है कि जो रिच रिसोर्सेज हैं कॉलोनीज़ में, ये मेन अट्रैक्शन था फॉरेन इन्वेडर का। इंडिया में ब्रिटिश क्यों आए, बेसिकली उनको रिसोर्सेज चाहिए थे, प्राइमरली हायर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, कॉलोनाइजिंग कंट्रीज़ थी, ये एक्सप्लॉइट करते थे रिसोर्सेज ऑफ द रीजन और सुप्रीमेसी बना लेते थे कॉलोनीज़ में। तो रिसोर्सेज होते हैं, ये कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं डेवलपमेंट को, केवल तब जब एक टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड इंस्टीट्यूशनल चैलेंज मिलता है। तो टैलेंट भी चाहिए, हार्डवर्क एंड प्लानिंग भी चाहिए। देयरफॉर इन इंडिया डेवलपमेंट इन जनरल, रिसोर्स डेवलपमेंट पर्टिकुलर, डज नॉट ओनली इन्वॉल्व अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स इज नॉट सफिशिएंट, टेक्नोलॉजी, क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज और हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस ऑफ द पीपल इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। नाउ अब इन रिसोर्सेज का कंजर्वेशन देखते हैं। तो रिसोर्सेज हैं ये वाइटल हैं डेवलपमेंटल एक्टिविटी के लिए, बट इरेशनल कंजम्पशन और ओवर यूटिलाइजेशन से ये सोशो इकोनॉमिक और एनवायरनमेंटल प्रॉब्लम क्रिएट होती है। सो दैट इज़ वाई हम कोशिश करते हैं रिसोर्सेज को कंजर्व करने का। कई डिफरेंट लेवल पे कंजर्वेशन हो रहे हैं। दिस हैड बीन द मेन कंसर्न इन द लीडर्स एंड थिंकर्स इन द पास्ट, जैसे कि गांधी जी का भी इसमें काफ़ी बड़ा नाम है। रिसोर्सेज जो होते हैं ना, इनके वर्ड्स में, देर इज इनफ फॉर एवरीबडीज नीड बट नॉट फॉर एनीबडीज ग्रीड। रिमेंबर दीज लाइन्स, वेरी गुड लाइन। देर इज इनफ, सफिशेंट, सब कुछ है फॉर एवरीबडी नीड के, ज़रूरत का सब है बट आपकी लालच का नहीं है यहाँ पे। ही प्लेस द ग्रीडी एंड सेल्फिश इंडिविजुअल्स एंड एक्सप्लॉयटेटिव नेचर ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ये रूट कॉज होता है रिसोर्स डिप्लीशन का एट द ग्लोबल लेवल। ही वॉज अगेंस्ट मास प्रोडक्शन एंड वॉन्टेड टू रिप्लेस इट विद प्रोडक्शन बाय द मासेस। तो ये एक क्लब ऑफ रोम है इंटरनेशनल लेवल पे, ये एडवोकेट करता है रिसोर्स कंजर्वेशन फर्स्ट टाइम सिस्टमेटिक वे में 1968 में ये हुआ था। 1974 में गांधीयन फिलॉसफी वाज वंस अगेन प्रेजेंटेड बाय दिस शूमैकर इन हिज बुक स्मॉल इज ब्यूटीफुल। हम बोलते हैं ना मिनिमलिस्ट जाओ, जितना सिंपल चीज़ें होती है ना उतना ही चीज़ें आसान होती है। आइंस्टाइन ने भी बोला था चीज़ों को कॉम्प्लिकेट तो कोई भी कर सकता है, जो जीनियस होता है ना वो चीज़ों को सिंप्लीफाई करता है, मेक इट सिंपल। द सेमिनल कॉन्ट्रीब्यूशन विद रेस्पेक्ट टू रिसोर्सेज कंजर्वेशन एट द ग्लोबल लेवल वॉज मेड बाय दिस ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट 1987। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हम डिटेल में इकोलॉजी एनवायरनमेंट पढ़ेंगे ना तो इसको हम अच्छे से जानेंगे। दिस रिपोर्ट इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एडवोकेट किया मीन्स ऑफ रिसोर्स कंजर्वेशन विच वॉज सब्सिक्वेंशली पब्लिश इन अ बुक जिसका नाम है अवर कॉमन फ्यूचर। अनादर सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन आया अर्थ समिट रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील 1992। सो अगेन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ लैंड रिसोर्सेज क्या होते हैं, हम जमीन पे रहते हैं, वी परफॉर्म अवर इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑन लैंड, हम इसको अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज अटमोस्ट इंपॉर्टेंस का है, नेचुरल वेजिटेशन आती है, वाइल्ड लाइफ है, ह्यूमन लाइफ है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, एवरीथिंग, हर चीज़ डिपेंड होता है लैंड पे। तो लैंड इज एन एसेट ऑफ दिस फाइनाइट मैग्नीट्यूड, देयरफॉर इट इज़ इंपॉर्टेंट टू यूज़ द अवेलेबल लैंड फॉर वेरियस पर्पजेज विद केयरफुल प्लानिंग। हमने मकान भी बनाते हैं ना तो हम प्लॉट लेते हैं, प्लॉट में हम इस तरीके से अपना मकान का डिज़ाइन करते हैं कि हम इस जो एरिया है ना इसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर पाए। इंडिया हैज़ लैंड अंडर अ वेराइटी ऑफ रिलीफ फीचर्स, ये हमने अगेन नाइन्थ में देखा था, माउंटेन्स हैं, प्लेटू है, प्लेन है, आइलैंड है, इंडिया इज़ वेरी ब्यूटीफुल, हर चीज़ मिलती है यहाँ पे। 43% ऑफ द लैंड एरिया प्लेन है, फैसिलिटी है तो प्लेन है तो यहाँ एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री इजीली बन जाएंगी। माउंटेन्स 30% है टोटल सरफेस एरिया का, तो यहाँ पे क्या होता है पेरिनियल फ्लो ऑफ रिवर आ जाता है, फिर टूरिज्म का बहुत अच्छा स्कोप है। आप नॉर्थ माउंटेनियस रीजन में देखिए जम्मू एंड कश्मीर एंड ऑल, यहाँ टूरिज्म उत्तराखंड हिमाचल टूरिज्म नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी अच्छा है, इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं। 27% ऑफ द एरिया ये प्लेटू रीजन है, ये जो नीचे
रिच रिजर्व्स ऑफ मिनरल फॉसिल फ्यूल्स एंड फॉरेस्ट होता है ना, जैसे कि छोटा नागपुर प्लेटू है, फिर ये पूरा अपना डेक्कन है। अब बात करते हैं लैंड यूटिलाइजेशन की। लैंड जो है इसको यूटिलाइज करना है, तो लैंड रिसोर्सेज होते हैं ना, उसका फॉलोइंग पर्पजेज हो सकते हैं, जैसे कि फॉरेस्ट जंगल, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टिवेशन, जैसे कि बैरन लैंड है या फिर वेस्ट लैंड है वो, लैंड जो नॉन एग्रीकल्चरल यूज़ के लिए है, जैसे कि बिल्डिंग बनी है, रोड बना है, फैक्ट्री बना है, तो ये अलग अलग यूज़ है लैंड को किस तरीके से यूटिलाइज किया है आपने। अदर अनकल्टिवेटेड लैंड है जिसमें कि फैलो लैंड एक्सक्लूड किया है, जैसे कि परमानेंट पॉशर है, क्लास 9 हिस्ट्री, ये पॉशर लैंड होती है, ग्रेजिंग लैंड होती है। देन लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स ग्रूव्स हैं, जैसे कि कुछ सेक्रेट ग्रूव्स भी होते हैं, नॉट इंक्लूडेड इन नेट जोन एरिया। देन कल्चरेबल वेस्ट लैंड होता है अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 एग्रीकल्चरल ईयर। तो ये एक क्लासिफिकेशन हो गया, ठीक है, अनकल्टिवेटेड या फैलो लैंड को एक्सक्लूड करके। फैलो लैंड में आता है आपका करंट फैलो है, करंट फैलो मतलब लेफ्ट विदाउट कल्टिवेशन 1 or less than 1 एग्रीकल्चरल ईयर, मतलब कुछ एक साल से वहाँ पे कल्टिवेशन नहीं हुआ है। अदर देन करंट फैलो मतलब पास्ट 1 to 5 एग्रीकल्चरल ईयर में। फिर आता है नेट सोन एरिया, एरिया सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चरल ईयर प्लस नेट सोन एरिया इज नोन एज ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। मतलब ये जो आपका खेत है, खेत में आपने दो फसल लगा दी तो आपका ग्रॉस क्रॉप एरिया तो बढ़ जाएगा, एक बार ये फसल आ गई फिर दूसरी बार फिर से फसल आ गई, तो जो नेट सोन एरिया होता है वो होता है मोर देन वंस एग्रीकल्चरल ईयर प्लस नेट सोन एरिया इज नोन एज ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। ओके, नाउ लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया अब आता है। लैंड यूज़ का पैटर्न क्या है, सी ये ग्राफ में यहाँ पे भी दिया है, ये प्लेन्स हैं, ये माउंटेन्स हैं और ये प्लेटू है, इनका परसेंटेज रिमेंबर। नाउ लैंड यूज़ पैटर्न इन इंडिया है, ओके, सो द यूज़ ऑफ लैंड इज़ डिटरमाइंड बोथ बाय फिजिकल फैक्टर्स होते हैं, जैसे वहाँ की टोपोग्राफी क्या है, वहाँ का क्लाइमेट मौसम क्या है, सॉइल का टाइप क्या है, ह्यूमन फैक्टर्स क्या है वहाँ पे, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, टेक्नोलॉजी अवेलेबल है या नहीं, और वहाँ का कल्चर और ट्रेडिशन भी क्या है, तो इसके अकॉर्डिंग लैंड का एरिया हम यहाँ पे यूज़ पैटर्न बनाते हैं। जैसे ये जनरल लैंड यूज़ कैटेगरी है, सी फॉरेस्ट कितना है, दिस इज़ फॉरेस्ट, दिस इज़ बैरन एंड अनकल्चरेबल लैंड है, ये एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चरल यूज़ है, परमानेंट पॉशर है, एरिया अंडर दिस ट्री क्रॉप्स एंड ग्रूव्स है, दिस इज़ कल्चरेबल फैलो करंट एंड दिस इज़ नेट सोन एरिया। ओके, नाउ टोटल जोग्राफिकल इंडिया का कितना है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर लैंड यूज डेटा है, ये 93% ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया है, बिकॉज द लैंड यूज रिपोर्टिंग फॉर मोस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स असम हैड नॉट बी डन फुली। तो ये पूरा एरिया इंडिया का है, दिस इज़ हम मानते हैं, बट अभी यहाँ हमारे पास 93% है, बिकॉज कुछ एरिया ऐसा है नॉर्थ ईस्ट में, जम्मू एंड कश्मीर में, जो अभी प्रॉपरली सर्वे नहीं हुआ है। तो अवेलेबल कितना हुआ, 93% ही हुआ टोटल जोग्राफिकल एरिया का, तो 3.28 का 93% अभी हमें अवेलेबल है। लैंड अंडर परमानेंट पॉश्चर जो होती है ये डिक्रीज हो रही है। हाउ वी आर एबल टू फीड अवर ह्यूज कैटल पॉपुलेशन ऑन दिस पॉश्चर लैंड, वॉट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इट, ये इसके रीजन्स हो रहे हैं। मोस्ट ऑफ द अदर देन द करेंट फैलो लैंड आर इधर ऑफ पुअर क्वालिटी है या फिर कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, इसीलिए दीज लैंड्स आर कल्टिवेटेड वंस और ट्वाइस इन अबाउट 2 to 3 ईयर। अगर ज़मीन उपजाऊ होती है ना तो आप एक साल में उसमें 2-3 फसल निकाल लोगे, अगर ज़मीन उपजाऊ कम है तो फिर आपको 2-2 साल में एक फसल निकलती है। देन इफ दीज आर इंक्लूडेड इन द नेट सोन एरिया, परसेंटेज ऑफ एनएसए इन इंडिया करीब 54% आता है टोटल रिपोर्टिंग एरिया का। ओके, सो ये एरिया अपना जोग्राफिकल एरिया था, 93% इसका अवेलेबल था, और यहाँ पर करीब 54% जो आ रहा है वो आ रहा है आपका नेट सोन एरिया। पैटर्न ऑफ नेट सोन एरिया वेरी करता है फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, जैसे कि आप पंजाब और हरियाणा, ये प्लेन्स बहुत अच्छे हैं यहाँ पे, हमने इंडस और ये वाले प्लेन देखे थे ना, पंजाब प्लेन्स, तो यहाँ 80% जो लैंड होती है वो यूटिलाइज हो सकती है, जबकि आप अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान जाओगे तो यहाँ टेरेन बहुत डिफिकल्ट है, तो सोन एरिया यहाँ पे कम हो जाएगा। फॉरेस्ट एरिया कंट्री का फार लोअर है, डिजायर्ड 33% होना चाहिए नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के अकॉर्डिंग, बट दिस इज अगेन वेरी वेरी लेस। इट इज़ कंसिडर्ड एसेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ दिस इकोलॉजिकल बैलेंस। हम कोशिश कर रहे हैं कि इस बार को जो फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट है उसमें भी थोड़ा इंप्रूवमेंट है, सो वी आर ट्राइंग टू बी हियर। फॉरेस्ट पे लाइवलीहुड डिपेंड होता है मिलियंस ऑफ पीपल का। नाउ जो फ्रिंजेस होते हैं ये फॉरेस्ट के, अ पार्ट ऑफ द लैंड इज टर्म कॉल्ड वेस्ट लैंड होती है, अदर नॉन एग्रीकल्चरल यूज़ के लिए जो लगी है, इसमें रॉकी, एरिड, डेजर्ट, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, सेटलमेंट्स है, रोड्स, रेलवेज, इंडस्ट्रीज़ है, इनका यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, सो दैट इज़ वाई इनको हमने सेपरेट कर दिया है। कंटिन्यूस लैंड यूज़ होती है विदाउट एप्रोप्रिएट मेजर, कंजर्व मैनेज, इससे क्या होता है लैंड का क्वालिटी ख़राब होता है, डिग्रेडेशन हो जाता है यहाँ पे।
अब हम बात करते हैं लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन की। तो हमारा जो शेयर्ड होती है लैंड होती है, पास्ट जनरेशन से हमें मिली है और आगे वाली आने वाली जनरेशन को पास ऑन करनी है। 95% ऑफ आवर बेसिक नीड्स हैं, जैसे कि खाना, शेल्टर, क्लॉदिंग, ये सब हमें लैंड से मिलता है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो होती है ये ब्रॉट अबाउट डिग्रेडेशन ऑफ लैंड लेके आ गई है, अग्रेवेटेड द पेस ऑफ नेचुरल फोर्सेस टू कॉज डैमेज टू लैंड। अब कुछ ह्यूमन एक्टिविटी होती है, जैसे हमने फॉरेस्ट हटा दिए, डिफॉरेस्टेशन हो गया, ग्रेजिंग इज़ गुड, बट अगर ओवर ग्रेजिंग हो रही है दिस लाइफ स्टॉक की, दैट इज़ बैड। माइनिंग से फॉरेस्ट लॉस होता है, क्वारिंग पत्थर, अगेन फॉरेस्ट लॉस होता है, तो इससे लैंड डिग्रेडेशन हो गई। जो माइनिंग साइट्स हैं उनको अबॉन्डन की जाती है आफ्टर एक्सकेवेशन, कंप्लीट लीविंग डीप स्कार्स छूट जाते हैं, ट्रेसेस ऑफ ओवर बर्डनिंग, और ये चीज़ें झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशा में बहुत दिखेंगी आपको। डिफॉरेस्टेशन ड्यू टू माइनिंग, ओपन कास्ट माइनिंग होती है तो इससे काफ़ी ज़्यादा डैमेज होता है। माइनिंग कॉस्ट सीवियर लैंड डिग्रेडेशन, देन यहाँ ओवर ग्रेजिंग भी बहुत ज़्यादा होता है, दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न फॉर दिस लैंड डिग्रेडेशन। अगर आप पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी इधर की बात करो, तो यहाँ पे ग्रीन रिवॉल्यूशन आया, यहाँ पे वाटर लॉगिंग बहुत ज़्यादा होने लग गई, सैलिनिटी एंड अल्केलिनिटी आ गई सॉइल में, तो ओवर इरीगेशन इज़ ऑल्सो वन प्रॉब्लम। इससे क्या होता है, कैपिलरी एक्शन से सॉल्ट पैन वगैरह यहाँ पे बनने लग जाते हैं, नमक हो जाता है पूरा, सॉल्ट पैन बन जाते हैं, सॉइल में एक लेयर जम जाती है। द मिनरल प्रोसेसिंग लाइक ग्राइंडिंग लाइमस्टोन जो होता है, कैल्साइट एंड सोपस्टोन, सेरेमिक इंडस्ट्री, तो इससे बहुत ज़्यादा डस्ट आती है एटमॉस्फेयर में, ये इन्फिल्ट्रेट होती है वाटर में, सेटल डाउन ऑन द लैंड। रिसेंटली इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट होते हैं, वेस्ट हैव बिकम अ मेजर सोर्स ऑफ लैंड एंड वाटर पॉल्यूशन इन मेनी पार्ट ऑफ द कंट्री। तो अभी जैसे COVID-19 हुआ है ना, तो हर जगह रिपोर्ट आ रही है कि एनवायरनमेंट खुद को हील हो रहा है, नेचर हील कर रही है, बिकॉज ह्यूमन्स आर द कल्प्रिट। देन मेनी वेज हैं टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। सबसे अच्छा मेथड होता है अफॉरेस्टेशन, पेड़ ज़्यादा होने चाहिए, प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए ग्रेजिंग का भी, शेल्टर बेल्ट होनी चाहिए प्लांट्स के लिए, स्टेबलाइज करो सैंड ड्यून्स को जो रेगिस्तान में बनते हैं, थ्रोनी ब्रूशेज होती हैं यहाँ पे, चेक करो लैंड डिग्रेडेशन इन एरिड एरिया। ये जो डेजर्ट होता है ना, ये भी एडवांस होता है, तो उसको स्टॉप करना पड़ता है, वरना डेजर्ट बढ़ता जाता है ऐसे। प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए वेस्टलैंड का, माइनिंग एक्टिविटी कंट्रोल करिए, प्रॉपर डिस्चार्ज लाइए डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट का, वेस्ट आफ्टर ट्रीटमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल एंड सबर्बन एरियाज़ में भी, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ क्या करती हैं, बिना अपना वेस्ट ट्रीट किए उसको या तो रिवर्स में डाल देंगी या फिर लैंड पे ऐसी डिस्पोज कर देंगी, तो उससे पॉल्यूशन और बढ़ जाता है। अब लैंड एज अ रिसोर्स की बात करें तो इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं ये, मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ है, डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म को सपोर्ट करता है, सॉइल भी एक लिविंग सिस्टम है, सॉइल जो होता है ना लिविंग सिस्टम है, ये एज के हिसाब से ये प्रोफाइल्स बनती है, लेयर्स बनती हैं, इसमें मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं सॉइल को अप टू अ फ्यू सेंटीमीटर डेप्थ बनाने में। रिलीफ, इसका पेरेंट रॉक क्या है, कि किस सोर्स की रॉक से ये सॉइल बनी है, बेड रॉक क्या है, क्लाइमेट क्या था, वेजिटेशन क्या था, ये सारे फैक्टर्स डिसाइड करते हैं सॉइल को, इंपॉर्टेंट फैक्टर्स क्या है फॉर्मेशन ऑफ सॉइल को। तो दैट इज़ वाई हम इसको क्या बोलते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है। जैसे आप अपनी लाइफ में भी देखना, बहुत सारे लोगों ने आपकी लाइफ को इन्फ्लुएंस किया है, बचपन में अच्छे टीचर्स मिल गए तो उन्होंने मोटिवेट किया, कुछ अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल गया उधर मोटिवेट किया, देन कंपनी यू गॉट, सो वर्क आपने किया, सो सॉइल में भी बहुत सारे ये फैक्टर हैं जो सॉइल फॉर्मेशन करते हैं, बुक्स एंड ऑल जैसे हम बोलते हैं ना, हमारा कैरेक्टर बिल्ड हो रहा है एंड ऑल दीज थिंग्स। सो रिलीफ, पेरेंट रॉक, बेड रॉक, क्लाइमेट, वेजिटेशन, दीज आर ऑल आर यूज फॉर दिस फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। काफ़ी सारे फोर्सेज ऑफ नेचर हैं, चेंज इन टेम्परेचर, रनिंग वाटर, विंड, ग्लेशियर, डिकम्पोजर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। ये अगेन हम 11th में पढ़ेंगे, 11th 12th में बहुत ब्यूटीफुली डिटेल में ये दिया हुआ है। केमिकल एंड ऑर्गेनिक चेंजेस होते हैं विच टेक प्लेस इन द सॉइल। तो ये सॉइल में ऐसे प्रोफाइल होती है, प्रोफाइल मतलब लेयर होती है ये, जैसे सबसे नीचे पेरेंट बेड रॉक है, फिर उसके ऊपर सबस्ट्रेटम बना, धीरे धीरे वो कैरेक्टर डेवलप हो रहा है सॉइल का, ये बेस था, बेस के ऊपर ऐसे ऐसे सॉइल फॉर्मेशन हो रहा है, और ये फ्यू सेंटीमीटर बनने में हज़ारों साल लग गए। तो बेस ये है जो ओरिजिनल पेरेंट मटेरियल था, इसके ऊपर वेदरिंग एंड डिफॉरेस्टेशन, विंड, क्लाइमेट, वेजिटेशन, ये सारी चीज़ें ऐसे सॉइल को फॉर्म करती है। सबस्ट्रेटम वेदर्ड पेरेंट रॉक मटेरियल है, सब सॉइल वेदर्ड रॉक सैंड्स एंड सिल्ट एंड क्ले है, एंड ये टॉप सॉइल है अपर लेयर सॉइल की। तो सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज इसमें ऑर्गेनिक ह्यूमस भी होता है और इनऑर्गेनिक मटेरियल भी होता है। ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टर्स, सॉइल का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, उसका कलर क्या है, थिकनेस क्या है, टेक्सचर मतलब फाइन है या नहीं है, एज मतलब कितनी पुरानी है, खादर बांगर देखेंगे, केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी, सॉइल को हमने इतने टाइप्स में क्लासिफाई किया है।
इंडिया हैज़ वेरिड रिलीफ फीचर, लैंडफॉर्म है, क्लाइमेट है, रियल में वेजिटेशन है, तो सॉइल का भी अलग अलग टाइप होगा. तो जैसे एक टाइप है दैट इज़ कॉल्ड अलूवियल सॉइल, ये जो गैंगेटिक प्लेन एंड ऑल में अलूवियल सॉइल काफ़ी मिलती है, मोस्ट वाइडली स्प्रेड है, इंपॉर्टेंट सॉइल है, नॉर्दर्न प्लेन में अलूवियल सॉइल है. थ्री, इंपॉर्टेंट हिमालयन रिवर सिस्टम, इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, क्लास 9 NCERT. इसमें हमने देखा राजस्थान गुजरात में भी एक नैरो कॉरिडोर है, बट ये पूरा जो बेल्ट है दैट इज़ अलूवियल सॉइल. ईस्टर्न कोस्टल प्लेन पर्टिकुलरली इन द डेल्टा ऑफ दिस महानदी, गोदावरी एंड कृष्णा एंड कावेरी, ये रिवर्स है ना, सब वेस्ट से निकल रही है यहाँ से और ऐसे करके आ रही है ये, तो ये जहाँ डिपॉजिट हो रही है वहाँ सिल्ट्स काफ़ी फॉर्मेशन हो रहा है और ये अलूवियल सॉइल ही डिपोजिशन एंड इससे बनती है. ओके, सो यहाँ पे भी कुछ एक बेल्ट है, ईस्टर्न कोस्ट वैसे भी इमर्जेंट कोस्ट है, तो यहाँ पे ये भी सॉइल थोड़ा पैचेस में मिलती है, दिस इज अलूवियल सॉइल. अलूवियल सॉइल जो होती है इसमें प्रोपोर्शन ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले, ये तीन चीज़ें होती है, इनका जो परसेंटेज होता है ना इसके अकॉर्डिंग हम डिफरेंट डिफरेंट सॉइल बन सकती है, कंपोजिशन लोम एंड ऑल. सो वी मूव इन लेंस टूवर्ड्स द रिवर वैली, सॉइल पार्टिकल्स अपियर मोर देन वॉट बिगर इन साइज, फाइन नहीं होते हैं, जैसे अपन रिवर वैली से दूर जाते हैं तो वो महीन नहीं होते, थोड़े बड़े हो जाते हैं. अपर रीचेस ऑफ वैली में नियर पैलेसेस ब्रेक ऑफ स्लोप सॉइल्स आर कोर्स हो जाती है यहाँ पे. देन सॉइल आर मोर कॉमन इन पिडमॉन प्लेन, जैसे कि ये द्वार है, दिस इज चोज एंड दिस इज तराई, यहाँ पे भी आपको सॉइल के पिडमेंट्स मिलते हैं. अपार्ट फ्रॉम द साइज ऑफ देयर ग्रेन्स और कंपोनेंट्स, सॉइल डिस्क्राइब होती है बेसिक ऑफ देयर एज, एज के अकॉर्डिंग भी होता है कि फाइन है या नहीं है. एज में अलूवियल सॉइल को हम बोल सकते हैं, एक है ओल्ड एलूवियल, ओल्ड एलूवियल मतलब वो बांगर है, नई एलुवियम जो होती है वो खादर है, मतलब ये जो फ्लड जाता है ना तो नया एक लेयर बन जाती है, इसके हिसाब से हम खादर बांगर ये सब बनती है यहाँ पे एज के अकॉर्डिंग. बांगर सॉइल होती है, इसमें हाई कंसनट्रेशन ऑफ कंकड़ होता है, नोड्यूल देन द खादर साइल सॉइल, इट इज़ मोर फाइन पार्टिकल एंड मोर फर्टाइल होती है देन बांगर. अलूवियल सॉइल जो होती है आर अ होल आर वेरी फर्टाइल, मोस्टली दिस सॉइल कंटेन एडिक्वेट प्रोपोर्शन ऑफ, ये नोट डाउन दिस थिंग, पोटाश होता है इसमें, फॉस्फोरिक एसिड होता है और लाइम होता है, ये तीनों चीज़ें होती है. ये आइडियल है फॉर द ग्रोथ ऑफ दिस शुगर केन, पैडी, वीट एंड अदर, तो आप देखना जहाँ जहाँ ये अलूवियल सॉइल है वहाँ ये भी काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन हो रहा है, पल्स क्रॉप्स भी. हाई फर्टिलिटी के कारण रीजन्स ऑफ अलूवियल सॉइल है यहाँ पे इंटेंसिवली कल्टिवेशन होता है और डेंसली पॉपुलेटेड होता है, यहाँ जनसंख्या देखो यूपी, बिहार, पंजाब, यहाँ बहुत जनसंख्या है. सॉइल्स इन द ड्रायर एरिया आर मोर लाइक अल्कलाइन एंड कैन बी प्रोडक्टिव आफ्टर द प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड इरीगेशन, तो ये जो खेती होती है ना, खेती के लिए ये सॉइल बहुत अच्छी है, अलूवियल सॉइल. ये कहाँ मिलती है, इसका कंपोजिशन क्या होता है और खादर बांगर, और ये इसकी प्रॉपर्टी है पोटाश, फॉस्फोरिक एसिड एंड लाइम. ओके, नाउ वी टॉक अबाउट ब्लैक सॉइल. ब्लैक सॉइल मतलब कलर ब्लैक है इसका, इसको हम रेगुर सॉइल भी बोलते हैं. रेगुर ब्लैक सॉइल आइडियल होती है कॉटन के लिए, तो इसको ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोलते हैं. क्लाइमेटिक कंडीशन, पेरेंट रॉक मटेरियल आर द इम्पॉर्टेंट फैक्टर, हमने देखा था. तो ये जो पेरेंट रॉक होता है वो होता है डेकन का ट्रैप, बेसाल्ट रीजन, हमने देखा है, हम आगे पढ़ेंगे. जो डेकन बना है ना दैट इज़ बिकॉज ऑफ दिस लावा एंड ऑल बाहर निकलता है एंड जमा हो जाता है, बेसाल्टिक फॉर्म ऑफ दिस से प्रोसेस से बना है ये. ये नॉर्थ वेस्ट डेकन प्लेटू है, लावा फ्लो से बना है, प्लेटू ऑफ महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, गुजरात, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में गोदावरी एंड कृष्णा वैली. तो यहाँ क्या मिलेगी, ब्लैक सॉइल मिलेगी. ये ब्लैक सॉइल की स्पेशलिटी है, जब पानी आता है तो ये दलदल टाइप की हो जाएगी, जब पानी सूख जाएगा तो इसमें ऐसे दरारें पड़ जाती है. ब्लैक सॉइल आर मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली फाइन होती है क्लेई मटेरियल, कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होती है. ये रिच इन सॉइल न्यूट्रिएंट है जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम और पोटाश. ये देखिए बहुत अच्छा मैप है, इंडिया का मेजर सॉइल टाइप्स हैं ये. ये देखिए ऊपर जो है ये फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस रीजन है, दिस इज़ फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस रीजन, ये थोड़ा जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, यहाँ सिक्किम और इधर अरुणाचल का पार्ट है. अलूवियल देखिए, ये पूरा अलूवियल बेल्ट है, दिस इज़ अलूवियल नॉर्दर्न प्लेन में, दिस इज़ अलूवियल बेल्ट, और यहाँ पैचेज में इन कृष्णा, गोदावरी, इनके डेल्टा पे भी मिल जाएगा, महानदी डेल्टा में. फिर ये रेड एंड येलो है, दिस इज़ रेड येलो, दिस इज़ रेड येलो, ये बेसिकली ये जो झारखंड, उड़ीसा का ये वाला एरिया है, और देन साउथ में ये दिस एरिया, यहाँ रेड एंड येलो काफ़ी है. ये ब्लैक सॉइल है, दिस इज़ ये पूरा बेसाल्ट, ये जो ट्रैप है इधर से ये ब्लैक सॉइल बनी है, पैचेस में इधर भी है सौराष्ट्र एंड इधर, यहाँ पे ब्लैक सॉइल है, यहाँ पे कॉटन कल्टीवेशन अच्छा होगा. लैटराइट सॉइल है, दिस इज़ लैटराइट सॉइल, ये पैचेस में है यहाँ पे. लैटराइट सॉइल में यूजुअली यहाँ पे रेनफॉल भी ज़्यादा है, लेटर मतलब ब्रिक से है, देन दिस इज एरिड, दिस इज एरिड इन राजस्थान एंड सम पार्ट. सो ये मेजर सॉइल टाइप है. ओके, विजुअलाइज दिस एंड बार बार इसे देखिए, इट इज़ वेरी इजी, ये एकदम याद हो जाता है कि किस पोर्शन में क्या है, और उसका कनेक्टिविटी,
आई ऑलवेज कीप ऑन सेइंग कॉन्सेप्ट्स आपके अच्छे होने चाहिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा लेटराइट सॉइल है तो लेटराइट सॉइल वेस्ट कटन घाट में ही ज़्यादा क्यों हो रही है, इस एरिया में लेटराइट सॉइल ज़्यादा क्यों है, एरिड है तो एरिड राजस्थान में ही क्यों हो रही है बिकॉज यहाँ पे वाटर कम है, देन अलूवियल है सेडिमेंट से बनती है सो दैट इज़ वाई ये गैंगेटिक बेल्ट और इधर क्यों है फ्लड प्लेन्स एंड ऑल, ये इधर महानदी डेल्टा एंड अगेन में क्यों है, ब्लैक बनती है तो ब्लैक बनती है लावा एंड सॉल से तो ये डेकन का जो है दिस यहाँ पर लावा बनी है, दिस इज़ वेरी वेरी ईजी, जोग्राफी इज़ वेरी वेरी ईजी, ऑल यू नीड टू डू इज़ बिल्ड कॉन्सेप्ट्स और ये कॉन्सेप्ट्स आप देखना 9th 10th हम ग्रेजुअली बढ़ रहे हैं ना, यू वुड लव इट, ये कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे हो जाएंगे वैन वी गो टू हायर क्लासेस। सो दीज सॉइल्स आर जनरली पुअर इन फॉस्फोरिक कंटेंट, ये कम होता है इसमें तो डीप क्रैक बनते हैं हॉट वेदर में, प्रॉपर एरेशन हो जाता है मतलब हवा अंदर पहुँच जाती है, दीज सॉइल्स आर स्टिकी चिपचिपी हो जाती है वैन वेट एंड डिफिकल्ट टू वर्क अनलेस टिल्ड इमीजिएटली आफ्टर द फर्स्ट, टिल मतलब दिस हल चलाना टिल किया है उसे, फर्स्ट शॉवर और ड्यूरिंग द प्री मानसून पीरियड। तो ये कौन सी सॉइल थी, ये थी आपकी ब्लैक सॉइल। अब इसके बाद आता है रेड एंड येलो सॉइल, ये क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक है, रेड एंड येलो बिकॉज ऑफ दिस कलर ऑफ दिस आयरन ओर एंड ऑल आ जाएगा, लो रेनफॉल इन द ईस्टर्न एंड साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ डेकन प्लेटू, तो लो रेनफॉल है ईस्टर्न और साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ डेकन प्लेटू में, ये आती है उड़ीसा छत्तीसगढ़ सदर्न पार्ट ऑफ मिडिल गंगा पिडमॉन्ट जोन ऑफ वेस्टर्न घाट में, ये सॉइल रेडिश हो जाती है बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन ऑफ दिस आयरन एंड क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक, येलो होती है व्हेन ये हाइड्रेटेड फॉर्म में हो जाती है। अब ये लेटराइट है, लेटराइट लैटिन वर्ड लेटर मतलब ब्रिक, लेटराइट सॉइल जो होती है ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में है, ऑल्टरनेट वेट एंड ड्राई सीजन हो रहा है यहाँ पे, इंटेंस लीचिंग हो रही है ड्यू टू हैवी रेन, सो दैट इज़ वाई हमने देखा ना वेस्टर्न घाट्स में ये क्यों मिल रही थी, यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स में वाई इट वॉज फाउंड, इंटेंस लीचिंग हो जाती है। लेटराइटिक जो सॉइल होती है ये डीप वेरी डीप एसिडिक हो जाती है, डेफिशिएंट है प्लांट न्यूट्रिशन में, मोस्टली सदर्न स्टेट्स में मिलती है, वेस्टर्न घाट रीजन्स हैं जैसे कि महाराष्ट्र उड़ीसा या सम पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल नॉर्थ ईस्ट रीजन, देखो यहाँ पे काफ़ी बारिश है इन पूरे एरिया में, दीज सॉइल सपोर्ट डेसीडुअस एंड एवरग्रीन फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट मतलब एक पर्टिकुलर सीजन में वो पत्तियाँ नहीं गिरा रहे हैं और डेसीडुअस मतलब ऑटम सीजन में वो यूजुअली लीव्स फॉल हो जाता है, ये ह्यूमस रिच है बट अंडर स्पार्स वेजिटेशन एंड सेमी एरिड एनवायरनमेंट इट इज़ जनरली ह्यूमस पुअर, ये प्रोन होती है इरोजन का बिकॉज लीचिंग भी हो रही है, डिग्रेडेशन हो जाता है ड्यू टू पोजिशन ऑन द लैंडस्केप, अडॉप्टिंग एप्रोप्रिएट सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक में जैसे कि कर्नाटका केरला तमिल में दिस सॉइल इज़ वेरी यूजफुल फॉर ग्रोइंग टी एंड कॉफ़ी, इसका हमने अभी पढ़ा था इनका क्या क्लाइमेटिक कंडीशंस रिक्वायर्ड होती है कि यहाँ पे पानी रुकना नहीं चाहिए, ओके शेड मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए टी एंड कॉफ़ी में, दीज आर प्लांटेशन क्रॉप। रेड लेटराइट सॉइल तमिलनाडु में है, आंध्रा केरला में है, ये सूटेबल है क्रॉप लाइक कैश्यू नट बहुत मिलता है। अब बात करते हैं एरिड की, एरिड रेंज रेड टू ब्राउन इन कलर है, जनरली सैंडी इन टेक्सचर, सेलाइन भी हो सकती है, पानी कम है यहाँ पे, देन सॉल्ट कंटेंट इसमें ज़्यादा होता है, कॉमन सॉल्ट ऑप्टेन हो सकता है एवोपरेट वाटर से, ड्राई क्लाइमेट जो है हाई टेम्परेचर है एवोपरेशन ज़्यादा है तो सॉइल में ह्यूमस नहीं बनेगा, ऑब्वियसली ह्यूमस नहीं मिलेगा बिकॉज यहाँ पे दिस वाटर भी कम है और ये एक्टिविटी भी कम है ह्यूमस फॉर्मेशन एक्टिविटी, सो लोअर होराइजन ऑफ द सॉइल आर ऑक्यूपाइड विद दिस कंकर ज़्यादा है यहाँ पे, कैल्शियम कंटेंट हो जाएगा, ये जो कंकर का लेयर फॉर्मेशन है बॉटम होराइजन में मतलब जो लेयर प्रोफाइल्स देखे थे इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर होता है, प्रॉपर इरिगेशन में ये कुछ कल्टिवेबल हो सकती है, वेस्टर्न राजस्थान में ये इस टाइप की अरिड सॉइल मिलती है। फिर फॉरेस्ट सॉइल की बात करें तो ये हिली माउंटेनियस एरिया में है, सफिशियंट रेन है यहाँ पे, सॉइल टेक्सचर वेरी करता है माउंटेन एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, लोम सिल्टी वैली हेली में है, वैली साइड्स में है और ग्रेन्ड है ये अपर स्लोप में, ऊपर आगे बढ़ेंगे तो स्नो कवर्ड भी हो जाएगा हिमालयाज में, ये डेन्यूडेशन बहुत ज़्यादा हुआ है यहाँ पे, व्हाई बिकॉज ऑफ दिस टेरेन, एसिडिक है लो ह्यूमस कंटेंट है, सॉइल फाउंड इन लोअर पार्ट ऑफ वैली रिवर में अल्लूवियल फैंस बनते हैं और फर्टाइल होती है। अब बात करते हैं इरोजन का, इरोजन मतलब रिमूवल ऑफ दिस टॉप लेयर सॉइल दैट इज इरोजन, और सॉइल कंजर्वेशन क्यों ज़रूरी है, डेन्यूडेशन जो होता है सॉइल कवर का और सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन हुआ है इसको हम बोलते हैं सॉइल इरोजन, प्रोसेस जो सॉइल फॉर्मेशन और इरोजन की हुई है ये साइमल्टेनियसली होती है और एक बैलेंस बना रहता है, बट ह्यूमंस आ गए तो ह्यूमंस आर गुड, बैलेंस को डिस्टर्ब करते हैं ये, सो बैलेंस इज डिस्टर्ब ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी जैसे डिफॉरेस्टेशन हुआ, ओवरग्रेजिंग हुआ, कंस्ट्रक्शन माइनिंग हुआ,
तो नेचुरल फोर्सेस जैसे विंड, ग्लेशियर, वाटर है, इससे क्या होता है, सॉइल इरोजन होता है. ये जो रनिंग वाटर है इसमें फोर्स होता है ना, पोटेंशियल एनर्जी. वाटर हमेशा फ्लो होता है फ्रॉम हाई पोटेंशियल एनर्जी टू दिस लो पोटेंशियल एनर्जी, एंड बिकॉज ऑफ दिस फोर्स वाटर में क्या होता है, कैरिंग होता है, ये सेडिमेंट्स को अपने साथ बहा के आगे ले जाएगा. तो रनिंग वाटर कट्स थ्रू द क्लेई सॉइल एंड मेक्स डीप चैनल्स बन जाते हैं, और इनको क्या बोलते हैं, गली बोलते हैं. यही गली अनफिट फॉर कल्टिवेशन, और बाद में एक्चुअली ये रिल इरोजन होता है, फिर उसके बाद ऐसे धीरे धीरे बढ़ता है, फिर गली, फिर बैडलैंड, फिर इस तरीके से बीहड़ जो चंबल के हैं वो बने हैं, रेवाइंस फॉर्मेशन हो जाता है. समटाइम्स वाटर फ्लोन एज शीट ओवर लार्ज एरिया डाउन अ स्लोप. तो दिस वे शीट इरोजन, इरोजन एंड ऑल. इरोजन का मतलब है कि ऊपर की लेयर बह के चली गई है पानी की, जैसे ये पानी की नहीं मिट्टी की, दिस इज सॉइल इरोजन, दिस इज सॉइल इरोजन. ये क्या है, ऐसे गलियां फॉर्म हो गई है. यही गलियां बहुत बड़ी हो जाएंगी तो ये क्या हो जाएगी, दिस बीहड़ बन जाएंगे आपके, ये फिर बैडलैंड टोपोग्राफी हो जाएगा, गलीज फॉर्म हो जाएंगे. ओके, रेवाइन फॉर्मेशन हो जाएगा. तो सॉइल वॉश्ड अवे हो गई, इनिशियली यहाँ पे शीट इरोजन हुआ, विंड ने ब्लो किया फ्लैट एंड स्लोपिंग लैंड को, तो ये विंड इरोजन हो गया. इरोजन मतलब रिमूवल ऑफ टॉप लेयर ऑफ सॉइल. अगर विंड से हो रहा है तो विंड इरोजन, वाटर से हो रहा है तो वाटर इरोजन, रिवर से हो रहा है तो रिवर इरोजन. सॉइल इरोजन इज ऑल्सो कॉज ड्यू टू डिफेक्टिव मैथड ऑफ फार्मिंग, जैसे कि प्लोइंग. प्लोइंग इज अ रॉन्ग वे दैट इज अप एंड डाउन स्लोप फ्रॉम चैनल फॉर द क्विक फ्लो ऑफ वाटर, इससे भी सॉइल इरोजन होता है. जो प्लो करते हैं कंटूर लाइन्स में, ये डेसिलरेट कर सकता है फ्लो ऑफ वाटर स्लोप्स में, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कंटूर प्लोइंग. दिस कंटूर प्लोइंग स्टेप्स कैन बी कट आउट ऑन द स्लोप्स टेकिंग टेरेसेस. तो ये हो जाता है क्या, टेरेस कल्टिवेशन बोलते हैं इसे. दीज वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, टेरेस कल्टिवेशन. वेस्टर्न और सेंट्रल हिमालय में वेल डेवलप्ड टेरेस फार्मिंग होती है. लार्ज फील्ड्स को डिवाइड किया है स्ट्रिप्स में, स्ट्रिप्स ऑफ ग्रास लेफ्ट टू ग्रो बिटवीन द क्रॉप. इससे क्या होता है, फ्लो टूटता है, चेन टूटती है. दिस इज नोन एज स्ट्रिप क्रॉपिंग हुआ. प्लांट्स लाइन्स ऑफ ट्री क्रिएट कर देते हैं, तो इससे शेल्टर मिल जाता है सिमिलर वे में. रोज ऑफ सच ट्रीज आर कॉल्ड शेल्टर बेल्ट. तो अगेन विंड का जो फ्लो है उसको तोड़ना है, वाटर का जो फ्लो है तोड़ना है, तो बीच में एक ब्रेकर लगाना पड़ेगा. तो ये सब चीज़ें क्या होती है, स्पीड ब्रेकर होती है. शेल्टर बेल्ट आर कॉन्ट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द स्टेबिलाइजेशन ऑफ सेंड ड्यून्स एंड स्टेबिलाइजिंग द डेजर्ट इन वेस्टर्न इंडिया. अब ये स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट है, यहाँ पे विलेज में दिया है कि कितना इसमें लैंड यूज़ पैटर्न चेंज हुआ है. रीजनरेशन एनवायरनमेंट लीड से क्या होता है, इकोनॉमिक वेलबिंग आती है हमारी. सो दिस इज रिटन ओवर हियर. नाउ पीपल्स मैनेजमेंट इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ दिस इज द एक्सरसाइज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप रिसोर्सेज आयरन ओर. आयरन ओर को हम क्या बोल सकते हैं, रिन्यूएबल तो है नहीं, फ्लो भी नहीं है, बायोटिक भी नहीं है, नॉन रिन्यूएबल हो सकता है. अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिसोर्सेज टाइडल एनर्जी, ह्यूमन मेड तो है नहीं टाइडल एनर्जी. देन ओवर इरीगेशन, और दिस इरीगेशन ज़्यादा हो रहा है, सॉल्ट पैन बन गए थे पंजाब में. देन टेरेस कल्टिवेशन आप कहाँ पे, हिली एरिया में देख सकते हो, उत्तराखंड में. देन ब्लैक सॉइल प्रीडोमिनेंटली आप महाराष्ट्र में मिल सकती है आपको. सो ट्राई टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस. ये जैसे 30 वर्ड्स में लिखेंगे ना, इससे राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी होती है. एंड ऑलवेज रिमेंबर टू द पॉइंट होना है आपको, बिकॉज आपके पास वर्ड्स का जो जगह है वो भी कम होती है, और आपके पास जो टाइम है वो भी बहुत कम होता है. तो कम समय में, कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा बोलना है. ये तीन स्टेट्स हैं, ब्लैक सॉइल है क्रॉप विच इज़ मेनली ग्रोन इन इट. टाइप्स ऑफ सॉइल फाउंड रिवर डेल्टा इन ईस्टर्न कोस्ट. तीन मेन फीचर्स बताइए इस सॉइल के. व्हाट स्टेप्स कैन बी टेकन टू कंट्रोल सॉइल इरोजन इन द हिली एरिया. इमेजिन क्या क्या हो सकते हैं यहाँ पे. थिंक व्हाट आर द बायोटिक एंड अबायोटिक रिसोर्सेज होते हैं, गिव सम एग्जाम्पल्स. अब 120 वर्ड्स में बताइए. लैंड यूज पैटर्न है, लैंड यूज फॉरेस्ट नॉट इंक्रीज मच, वाई. टेक्निकल इकोनॉमिक डेवलपमेंट कंजम्पशन ऑफ रिसोर्सेज से क्या हुआ है. सो दिस इज चैप्टर वन. सी कितना ब्यूटिफुल है, और कितने सारे क्वेश्चंस आपके एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन ऑफ प्रीलिम्स. एंड आई कैन शो यू कि ये क्वेश्चन इस बुक में, इस पेज से, इस शब्द से लिया गया है. टेरेस कल्टीवेशन देखिए, सॉइल पैटर्न देखिए, सॉइल कहाँ, कौन सी सॉइल मिल रही है. दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस एनसीईआरटी. एंड सेलेक्शन और नॉन सेलेक्शन में जो फ़र्क होता है ना, वो फ़र्क होता है बेसिक्स का, फंडामेंटल्स का. सो ये फंडामेंटल्स रॉन्ग नहीं करने हैं आपको. एंड अगेन रीड दिस बुक, सी दिस बुक, दिस इज रियली गुड. ये इरोजन का टाइप देखा हमने, सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन क्या होता है. दिस इज फॉरेस्ट सॉइल, लेटराइट सॉइल, एरिड सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल. ओके, देन दिस मैप इज अगेन वेरी वेरी गुड, वेरी गुड मैप. मेजर सॉइल टाइप्स, ये ब्लैक सॉइल कहाँ पर है, अलूवियल सॉइल क्या है, क्लासिफिकेशन हो गया. ये इस तरीके से सॉइल का प्रोफाइल बनता है, लेयर्स बनती है सॉइल की. सॉइल एक रिसोर्स है, डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन जरूरी है. ये पैटर्न देखा हमने,
देन ये लैंड रिसोर्सेज एंड लैंड यूटिलाइजेशन है. रिसोर्स प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज़ प्लानिंग अकॉर्डिंग टू अवेलेबिलिटी, नीड एंड टेक्नोलॉजी. देन ये एजेंडा 21, रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट, डेवलपमेंटल प्रोसेसेस, रिजर्व्स. देन वी रेड अबाउट दिस बेसिस ऑफ एग्जॉस्टेबिलिटी, रिन्यूएबल क्या होते हैं, नॉन रिन्यूएबल क्या होते हैं, ओनरशिप के अकॉर्डिंग क्या चेंजेस होते हैं. ये बहुत अच्छा मैप है. नेचुरल, ह्यूमन, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, कॉन्टीन्यूअस, बायोलॉजिकल, इसमें नेचुरल एंड वाइल्ड लाइफ. ह्यूमन में स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशंस है, इधर नॉन रिन्यूएबल में यहाँ पे रिसाइकलेबल एंड नॉन रिसाइकलेबल, एंड दिस वॉज क्वान्टिटी एंड क्वालिटी. ये फिजिकल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूशन, इसके इंटरप्ले से हम डिसाइड करते हैं कि वॉट आर रिसोर्सेज. सो दिस इज चैप्टर नंबर 1, resources and development. Okay, so in next chapter, next video, we'll read about the second chapter. So thank you so much for watching this video. Take care, study well, and be